तो हमारा एक बिल्लू इधर सोया है और हमारी एक बिल्लू इधर सोई है। तो अभी दोनों में दोस्ती हो गई है, मतलब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं ना, तो ऐसे सूंघते हैं एक साथ, ऐसे सूंघते हैं एक दूसरे को, और फिर मतलब बाद में फिर अचानक मस्ती करने लग जाते हैं। बट हाँ, दोनों में दोस्ती हो गई है अभी, उन लोग डरते नहीं है इतना, डरते वरते नहीं है एक दूसरे से, और बस नॉर्मल हो गया है। मेरे को ऐसा लगा था, मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैंने उबैद को भी पूछा था, उसके पास बहुत सारी बिल्लियाँ हैं, तो ऐसा होता है क्या कि मतलब छोटी बिल्ली को देख के बड़ा बिल्ला डरता है? तो हाँ डरता है, बाद में वो ठीक हो जाते हैं, मतलब हो जाते हैं सही है ना, अच्छा है ना, अभी अपने को टेंशन नहीं। खाली मुकुट में हम लोग ऐसा लगता था कि उसको मारेगा मारेगा, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आज हम ज़रा लेट तक सो गए हैं, थोड़ा सिस्टम बिगड़ गया है, तो वही अभी ज़रा आते ज़रा काम वाम निपटा के फिर करते कुछ इंतजाम आज। अरे यार चाय गिरी थी, मैं चाय ने मैंने पोछे ही नहीं, मेरे पैर रख दिए। पाकिस्तानी कभी कोरियन कभी क्या क्या है, मतलब पागल, इंटरनेशनल घोषित कर देंगे तेरे को, ऐसा है, अलग अलग मत देखा कर कुछ भी। दुनिया अब हाँ, दुनिया देखती है ना, इंडिया में नहीं देखने का। अच्छा मैं तो यूपी में नहीं। तो अभी मेरे को पॉटी भी आ रही है, मेरे को भूख भी लग रही है, मेरे को कोड भी करना है, मेरे को वर्कआउट भी करना है, तो अब क्या किया जाए? अब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखो कैसे। यही तो कयामत है। अगर मैं वर्कआउट करने चले जाऊंगा अभी और पॉटी नहीं करूंगा, तो वर्कआउट करते करते हो जाएगी, क्योंकि वर्कआउट में दम लगता है। तो पहले हम वर्कआउट, और खाना नहीं खा सकता, खाना खाऊंगा तो भी पॉटी हो जाएगी, तो खाना भी नहीं खा सकता, कोड भी नहीं कर सकता, कोड करने बैठूंगा तो उसमें ज्यादा दिमाग लगेगा, प्रेशर आएगा, और तो भी पॉटी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें पॉटी करनी चाहिए, उसके बाद हमें थोड़ा सा कोड करना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी टाइम है यार, थोड़ा सा कुछ मैं ऊपर से खा लूंगा अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि आज है दाल चावल, दाल की जो है तो इसके अंदर है दाल। ओ माय गॉड, ये दब जाएगा अंदर। अरे 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 अरे, इसको ऐसे दबाने का, बंद हो जा, हाँ हाँ बंद हो गया। और इसके अंदर है झींगा, और यहाँ पे दाल चावल, और ये है बिन्ना। ए बिन्ना, तेरी लव बाइट दिखा, देखो इधर लव बाइट मिली है उसको, बिन्ना को मिली है लव बाइट। बिन्ना भी पहले इसके जैसे ही था, क्यूटी पाए, अब बिन्ना बड़ा हो गया, अभी बिन्ना हम लोग को नोचता है। इधर 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 क्यूटी पाए, जा। तो हम पहले पॉटी ही करेंगे, तो करना बाद में सब कुछ करेंगे, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो दशहरी खत्म हो गए क्या? दशहरी खत्म हो गए है? किधर है? उधर है मम्मी। नहीं इधर नहीं है ना? नहीं नहीं, कुछ पापा ने सब खाए, सब खाए, मैं वही दिखाई था मम्मी रात में, फिर नहीं, मैंने तो सब साफ की हूँ पूरा। रात में क्या? मैंने सोचा कि आम खाते हैं, बट आम भी नहीं है, और पापा ने आम लाए हैं। मतलब आपकी जिंदगी बहुत अच्छी होगी, या फिर आप बहुत खुश नसीब होंगे अगर आपको एक आम की पेटी, जो भी आप लाते हो, वो हर आम मीठा निकल जाता। पिछले हम दशहरी लाए थे अभी, मतलब 2-3 हफ्ते पहले, इतने मीठे आम थे, मतलब क्या ही बताओ, अभी लाए थे, मतलब एकदम अजीब से आम थे, बट अभी क्या ही कर सकते, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। तो मैंने बोला था तो थोड़ा सा कोड कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस वैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर अभी कितना बज रहा है, 4:30 बज रहा है, 5 बजे तक निकलते हैं, फिर वर्कआउट करते हैं दबा के, क्योंकि अभी थोड़ा बारिश वारिश भी हो रही है, मस्त एकदम ऐसा मलंग जैसा वर्कआउट करें। मम्मी क्या क्या
मैं आई क्या? बोल 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 क्या बोल बोल बाप रे बाप, इतनी गर्दी हर जगह पे, इतनी गर्दी, घर पे ही कर लेना सीधा वर्कआउट। अगर देखा जाए तो शेप अच्छा हो रहा है रमजान के हिसाब से, तो एक्चुअल में ये लव हैंडल्स इतने बढ़ गए थे ना, बट हाँ शेप अच्छा हो रहा है और हो जाएगा, जल्द से जल्द हो जाएगा। अभी जरा मेरा वेट चेक करते हैं, 58 और 59 तक था, अब देखते हैं। तो हमारा वेट है 58.5 मतलब 58 और 500 ग्राम, तो मतलब 59 को 500 ग्राम ऐसा 59 को थोड़ा सा कम, मतलब उधर ही है वेट, ऐसा कुछ ज़्यादा है। जब मैंने वर्कआउट करना चालू किया था तब मेरा वेट 56 था, पर मेरे ख्याल से जो भी मैंने पुट ऑन किया वो सब मसल मास ही है, कुछ भी फैट नहीं है ऐसा, मतलब फैट भी पुट ऑन करते हैं बट ऐसा मेजॉरिटी में मसल मास है, क्योंकि काफ़ी बॉडी अच्छी हो गई है। अब मेरे को ये ट्रैप्स के ऊपर वर्क करने का है, ये ऐप्स के ऊपर वर्क करने का है, और बाकी सब तो मतलब ऐसा सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं, बट फिर भी अभी क्या है, चलो ना अच्छा ही है, जो भी है मेहनत का फल है। सो यप, अभी हम करते हैं भोजन। भोजन में है ये है मिक्स वेजिटेबल्स की सब्जी, और इसके ऊपर है प्रॉन्स, फिर है दाल, फिर है चावल, तो कार्ब्स भी है, फाइबर भी है, प्रोटीन भी है, प्रोटीन इसके अंदर। आजा आजा नलिया। तो हाँ मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ है, देखो सिंपल सी बात है कि अगर आपको अच्छी फिजिक बनानी तो अच्छा खाना खाओ सबसे बेस्ट। अभी देखो मैंने बोला था कि मैं ऐसे एकदम प्रॉपर डाइट फॉलो करूँगा, प्रॉपर ऐसा प्रोटीन के सोर्सेस, प्रोटीन के ये खाऊंगा और सिर्फ इतना ये खाऊंगा, बट वो नहीं होता है पता है वो, मतलब अभी अगर मैं घर पे इतना सारा खाना बनाया और फिर मैं बोलूँगा नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए मम्मी, मैं तो बॉडी बना रहा हूँ, मुझे तो बस यही चाहिए, मुझे लाके दो 1 किलो चिकन ब्रेस्ट वाला, तो ऐसा नहीं है, चप्पल पड़ेगी। तो इसलिए फिलहाल के तौर पे जब अपन खुद एकदम ज्यादा अपन एकदम फुल एकदम ऐसा मिलियनर बिलियनर हो जाएंगे, जब यूट्यूब वीट्यूब पैसे देने लगेगा, थोड़े ब्रांड्स वैंड्स के ऐसे आने लगेंगे ना, वो स्पॉन्सरशिप्स प्रोटीन वोटीन के, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब ही नहीं करता कोई मेरे वीडियोस का, गलत इस्तेमाल किया गया माँ। चलो खाना खाते, बहुत ओवर एक्टिंग हो गई। तू भी खाएगी? तू खाएगी क्या? खाएगी 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 ए ए ए ए, ए खाएगी खाएगी कुजी कुजी कुजी। चलो YouTube देखेंगे, YouTube देखेंगे और खाना खाएंगे।